हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आज बना रही हूँ आपके लिए रसमलाई। ये रसमलाई नॉर्मल रसमलाई नहीं है, ये है रोज़ी रसमलाई। ये बहुत ही टेस्टी यमी लगता है बिकॉज इसमें रोज़ का फ्लेवर है और जो रोज़ मैंने इसमें यूज़ किया है वो अपने गार्डन एरिया का ही यूज़ किया है। तो ये रोज़ी रसमलाई कैसे बनानी है ये देख लेते हैं। रोज़ी रसमलाई बनाने के लिए मैंने 1 kg दूध को बॉईल कर लिया और इसका 1/4 पार्ट जो है उसको रिड्यूस कर दिया। ये पहले से गाढ़ा हो चुका है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आधा पार्ट मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और आधा जो पार्ट बच रहा है उसको फिर से बॉईल करना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रबड़ी ना बन जाए। दूध को मैंने गाढ़ा होने के लिए हाफ चढ़ा दिया। जो हाफ मैंने बाउल में निकाला था इसमें डिप करके रख देते हैं रसगुल्ले को। तो रसगुल्ला आप उतना ही यूज़ करो जितना दूध में अच्छे तरीके से सोख हो जाए। मीन्स आपके रसगुल्ले के साइज़ पे डिपेंड करता है। मेरे रसगुल्ले का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैं इसमें डिप कर रही हूँ 6 रसगुल्ला। 6 रसगुल्ला इसमें डिप करके मैंने रख दिया है। अब इसको एक साइड रख देते हैं और काम करते हैं आधे बचे हुए दूध पे। इस टाइप से अगर आप सोख करके रख दोगे तो ये जो रसगुल्ला है बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाता है। इधर मैं अपने गार्डन एरिया से कुछ रोज़ के पेटल्स मैंने ले लिए। यहाँ पे 2 रोज़ मैंने लिए हैं और उसे अच्छी तरीके से पेटल को क्लीन भी कर लिया है और साथ में उसको अच्छा तरह का कलर मिले उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किए हुए कुछ बीट रूट्स लिए हैं। रोज़ मैंने जैसे कि बताया गार्डन एरिया का है तो ये रोज़ भी मैं उसी में डालने वाली हूँ। यहाँ पे दूध जो हाफ मैंने बॉईल कर लिया था उसमें डाल देते हैं ये जो मैंने रोज़ के पेटल्स और बीट रूट लिए थे उसको। इन सभी को डाल के हमें अच्छी तरीके से बॉईल करना है और इसे बिल्कुल रबड़ी जैसा बनाना है। रोज़ का यूज़ करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कलर बहुत अच्छा आता है और बीट रूट मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिससे कलर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं इसके फ्लेवर को और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क मेड। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मिल्क मेड डाला है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें बट उसको डालना ऐसा है कि ग्रेट कर ले या फिर किसी भी ग्रेटर से या चॉप कर ले बारीक। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का यूज़ किया और उन दोनों को इसमें डाल दिया। अब देखिए जैसे जैसे ये बॉईल हो रहा है इसका कलर कितना अच्छा होते जा रहा है। आप अगर और डिप करना चाहते हो तो बीट रूट की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा चीनी बिकॉज मैंने मिल्क मेड डाला है और इस टाइप की मिठाई ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इसमें ऐड करो। उसके बाद फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। ये पहले से बिल्कुल अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया और इसे मैंने एक साइड रख के पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल मलाईदार रबड़ी बन के तैयार है। अब इसको शिफ्ट कर लेना है एक मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में सारे रबड़ी को इसमें डाल देना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। रोज़ का फ्लेवर देना है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया है रोज़ एसेंस भी। अब ये देखिए अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी है। अब रसगुल्ला जो डिप करके हम लोगों ने रखा था उसको भी इसमें डाल दिया है। रोज़ एसेंस पे डालने की वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है और इन सभी को अब बॉईल करना है बस कुछ सेकंड के लिए। बहुत अच्छे से बॉईल नहीं करना, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए उतना ही बॉईल करना है। और ये बनके अब रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया और अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। आप चाहो तो ठंडा या गर्म जैसे भी इंजॉय करो। बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है इंटरेस्टिंग रसमलाई रोज़ी रसमलाई बनके तैयार है। मिलते हो अगली टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय।